बैटल ऑफ स्टेट्स की शुरुआत करेंगे। सबसे सटीक खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तो हिंदी न्यूज चैनलों के इतिहास में तमिलनाडु चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज कर रहा है आपका अपना चैनल इंडिया 24/7। दक्षिण की सियासी दंगल की हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से हम आपको पहुंचा रहे हैं। तमिलनाडु में 16 मई को वोटिंग होनी है, लिहाजा यहां की सियासी हलचलें तेज हैं। राजनीति के तमाम दाव पेज पर है इंडिया 24/7 रिपोर्टर रंजना ठाकुर की पैनी नजर। तो चलिए शुरू करते हैं बैटल ऑफ स्टेट। दक्षिण के राज्यों में चेहरे की सियासत कोई नई बात नहीं है। इस बार भी तमिलनाडु में तीन बड़े चेहरे मैदान में हैं, जयललिता, करुणानिधि और विजयकांत। देखना ये होगा कि जनता क्या इस बार भी जयललिता को अपना नेता मानेगी या फिर करुणानिधि या विजयकांत में से किसी एक को वो राज्य की सत्ता सौंपने जा रही है। क्या है तमिलनाडु की सियासत का मामला? तमिलनाडु की सियासत के इन दो सूरमाओं के नामांकन के साथ ही चुनावी मैदान में आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक और जयललिता का अम्मा ब्रांड उनकी उम्मीदों को पंख लगा रहा है, तो दूसरी ओर बदलाव और एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर के सहारे डीएमके ताल ठोक रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई लड़ाई इन्हीं दो धुरों के बीच होगी या फिर विजयकांत का नाम इस लड़ाई में ट्रायंगल जोड़ेगा। Third front, if you go by the arithmetic, their vote bank is somewhere around 15 to 18%. But they're hoping on the neutral voters. They say the new first generation voters who do not want the Dravidian majors to continue in rule, they think we are the alternative and we'll vote for that. They are hoping on that. But it has to be seen whether because their chief minister candidate is very popular in the rural areas but not with the urban community. So it has to be seen how it is going to. North Chennai ki RK Nagar Vidhan Sabha seat se Jayalalitha ne apna namankan dakhil kar diya hai. दिलचस्प बात यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र में महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों के मुकाबले ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि ये सीट परंपरागत सीट रही है AIADMK की। ऐसे में जयललिता का यहाँ से हारना नामुमकिन सा दिखता है, क्योंकि उसका वोट शेयर अभी थोड़ा कंसोलिडेशन है। वो 40% था लोकसभा इलेक्शन में 2014 में, और 37 सीट्स आउट ऑफ 39 AIADMK वन। दो ही सीट गया, वो एक अनबुमणि रामदास का और एक पोनार पोन बोलते हैं उसको, पोन राधाकृष्णन यूनियन मिनिस्टर। ये दोनों सीट के एवरीथिंग एल्स दे स्वेप्ट, AIADMK स्वेप्ट 37 सीट्स। वो वोट शेयर तो इंटैक्ट है, लेकिन इसमें कितना डैमेज होगा एंटी इनकम्बेंसी में बोल नहीं सकते। अप टू 30 इयर्स अगो 1984 में MGR ने रेनिंग चीफ मिनिस्टर था, वो जीता। इसके बाद, इसके पहले और इसके पीछे कभी भी नहीं कि रेनिंग चीफ मिनिस्टर रीएलेक्ट हुआ, ऐसा है। लेकिन ये टाइम में एंटी इनकम्बेंसी इतना नहीं देखता है। शहरों की लड़ाई में जयललिता एक बड़ा फैक्टर है। नामांकन दाखिल करने के साथ ही जयललिता ने अपना चुनावी अभियान भी तेज कर दिया है। जयललिता की पार्टी सूबे की कुल 234 में से 227 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जाहिर तौर पर सीधा मुकाबला डीएमके से दिखता जरूर है, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत में बारी बारी से जयललिता और करुणानिधि पिछले दो दशकों से रिपीट होते रहे हैं। मगर क्या इस बार भी ऐसा होगा? उम्र के 93 बसंत पार कर चुके करुणानिधि भी पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं। हालांकि गिरती सेहत के साथ चुनाव प्रचार उन्होंने देर से शुरू किया, मगर उन्हें कम कर नहीं आंका जा सकता। तमिलनाडु की सियासत के दूसरे सबसे अहम फैक्टर हैं करुणानिधि। 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके करुणानिधि ने 12 बार यहां से विधानसभा का चुनाव जीता है। हालांकि दोनों बेटों के बीच मनमुटाव की वजह से उनकी पार्टी गहरी उठापटक से गुजरी है, फिर भी करुणानिधि पूरे तेवर में है और आज उन्होंने अपनी परंपरागत सीट तिरुवारूर से नामांकन दाखिल कर
तमिलनाडु की सियासत को नई धार दे दी है। थोड़ा डिवाइडेड है, लाइक बोल नहीं सकते हैं कि क्या विथ व्हाट काइंड ऑफ इंटेंट पीपल टेक दिस पोल्स, लेकिन दो तीन पोल में एटलीस्ट टू केम इन फेवर ऑफ एआईडीएमके और अनदर वन इन फेवर ऑफ डीएमके, लेकिन हो सकता है कि बहुत क्लोज रेस में एआईडीएमके विल स्टिल बी स्लाइटली अहेड ऑफ डीएमके। समझो कि एआईडीएमके 110 मिला, डीएमके का 100 भी मिल सकता है। शनिवार से चुनाव प्रचार में उतरे एम करुणा निधि अब पूरे फॉर्म में है। एक और जयललिता ने जहां आर के नगर से अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं समर्थकों के भारी हुजूम के साथ करुणा निधि ने भी तिरुवरूर से पर्चा दाखिल किया। तिरुवरूर सीट पर डीएमके लगातार 1996 से जीतती आ रही है। इसके पहले 1980 में एक बार सीपीएम ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। यानी कुल मिलाकर तिरुवरूर सीट डीएमके का गढ़ है और यहां से भी करुणा निधि के लिए मुकाबला ज्यादा मुश्किल नहीं है। मगर असल सवाल सिर्फ सीटवार जीत का नहीं है, बल्कि तमिलनाडु में सत्ता का खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन होगा इसका है। और जब इसका विश्लेषण किया जाता है तो सबसे बड़े प्लेयर नजर आते हैं डीएमडीके के चीफ विजयकांत। ऐसा है, ये इलेक्शन प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि थर्ड फ्रंट भी आ गया। ये विजयकांत एक बड़ा फैक्टर था इलेक्शन में, उसको बहुत कोशिश किए डीएमके फ्रंट में लेने के लिए, लेकिन वो अरे अग्रीमेंट तो नहीं हुआ। और ये अलग स्टैंडिंग सेपरेटली कैप्टन्स पार्टी डीएमडीके, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जयललिता का। तमिल फिल्मों के मशहूर एक्टर विजयकांत की पार्टी है डीएमडीके। डीएमडीके ने पिछला चुनाव यानी 2011 का चुनाव जयललिता की पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा था और 29 सीटें जीती थी। बाद में जब विजयकांत जयललिता की पार्टी से अलग हुए तो पहली बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आए। पिछली बार तमिलनाडु की सीटों का अलग अलग हिसाब देखें तो सूबे में विजयकांत की पार्टी डीएमडीके दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी। AIADMK ने जहां 150 सीटें जीती थी तो DMDK को 29 और DMK को 23 सीटें मिली थी। हालांकि पिछले साल DMDK में हुई बगावत ने विजयकांत की पार्टी को हिला कर रख दिया था, जब उनके 8 विधायकों ने इस्तीफा देकर जयललिता की पार्टी AIADMK ज्वाइन कर ली थी। विजयकांत को तमिलनाडु की सियासत में हल्का आंकने की कोशिश जयललिता और करुणा निधि दोनों को भारी पड़ सकती है। खासकर पिछले विधानसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन को देखते हुए इस बार वो सत्ता के बड़े दावेदारों के तौर पर उभर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी वेव से जितनी उम्मीदें करुणा निधि को हैं, उससे कम उम्मीदें विजयकांत को भी नहीं है। करुणा निधि, जयललिता और विजयकांत के बीच घूम रही सियासत में राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी भी अहम स्टेक होल्डर बनने की जद्दोजहद में है। तो पीएमके के नेता वाइको का प्रभाव और उनकी उपस्थिति को भी कम आंकना ठीक नहीं होगा। कांग्रेस जहां पिछली बार की तरह डीएमके के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी भी छोटी छोटी पार्टियों को जुटाकर ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है। तमिलनाडु की सियासी लड़ाई एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। सत्ता के इस खेल में सबसे बड़े दावेदार हैं जयललिता, इस बात से शायद ही किसी को इनकार होगा, लेकिन तमिलनाडु की सियासत का एक सच है और इस पर अगर हम गौर करें तो पिछले 2 दशकों में कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी वापस अपनी सरकार नहीं बना पाई है। ऐसे में सबके इस बात पर नजर है कि इस बार के मल्टी क्वार्टर कॉन्टेस्ट में कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है, क्या 2 दशकों का इतिहास इस बार बदलता है। तो इस तमिलनाडु की चुनावी हलचल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं हमारे रिपोर्टर रंजना से बात करते हैं। रंजना, जिस तरीके से आज दिन भर नेताओं ने नामांकन अपना दाखिल किया है, आपने उसको कवर भी किया, क्या देखा आपने उसमें रोचक? नेताओं ने यहाँ पर जो नामांकन दाखिल किया है ये नॉर्थ इंडिया से थोड़ा डिफरेंट है।
हम लोग चूंकि नॉर्थ इंडिया अक्सर रहे हैं, वहाँ पे हमने कई बार देखा है नेता जब नामांकन दाखिल करने जाते हैं तो उनके साथ एक जुलूस की तरह लोग जाते हैं, उनके घर से ही निकलते हैं जुलूस की तरह, और तमाम कुछ नियम कायदे जो होते हैं उन सबका उल्लंघन करते हुए वो जा करके अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। तमिलनाडु में जो आज मैंने देखा, जयललिता अपने घर से अकेले निकली, लेकिन जब जहाँ उनको नॉमिनेशन फाइल करना था वहाँ सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक पहले से मौजूद थे, सुबह से मौजूद थे, और इस वजह से वहाँ आसपास के इलाकों में जाम भी लग गया था। कई लोग टाइम से वहाँ पहुँच भी नहीं पाए, और उसके बाद जब वहाँ पहुँची तब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और वो चली गई। उनके जाने के बाद भी उनके समर्थक वहाँ मौजूद रहे, वो लंबे वक्त तक नारे लगाते रहे, अम्मा 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 यही सुनाई देता रहा वहाँ पर। और इसी तरीके से करुणानिधि ने जब तिरुवरूर में यहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर अपना नॉमिनेशन फाइल किया है तो वहाँ वो काफ़ी बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ गए थे, तो वहाँ कुछ सिनेरियो डिफरेंट रहा होगा, यहाँ कुछ और था सिनेरियो। इंटरेस्टिंग इसमें यह था कि जब जयललिता ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया उसके बाद में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 4-5 घंटे तक घूमती रही। वहाँ मैंने ये देखा कि वहाँ जो भी लोग थे वो बहुत उत्साह में थे, जिससे भी मैंने बात की वो ज़्यादातर लोग जयललिता के फेवर में ही बोल रहे थे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, हिंदी समझ नहीं आती, लेकिन जब मैंने उनसे अपना माइक दिखा करके पूछा कि आप किसको वोट करोगे इशारे से, तो सब एक सुर में ये चिल्ला रहे थे अम्मा अम्मा अम्मा, यानी कि जो लोग वहाँ मौजूद थे वो अम्मा को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो या फिर जो आने जाने वाले लोग हों या फिर प्लेग्राउंड हो वहाँ का जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। उनसे भी जब मैंने पूछा तो उनको पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, हो सकता ना हो, और उनके पास वोटर आई कार्ड नहीं है बिकॉज दे आर माइनर्स, वो वोट भी नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए आपके स्टेट का, तो उन्होंने कहा कि अम्मा, यानी वो भी जयललिता के फेवर में ही थे। ये बात मैं आपको आरके नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बता रही हूँ जहाँ से अम्मा इस बार कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन, जयललिता ने अपना इस बार इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। एक ये था बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा। बिल्कुल रंजा, अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अम्मा अम्मा हर तरफ दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, सब उनकी फेवर में दिख रहे थे जहां उन्होंने नॉमिनेशन आज दाखिल किया, लेकिन अगर हम चेहरों की बात करें तो यहां पर सियासी चेहरा किस तरीके से दिखाई दे रहा है, किसका रोल ज्यादा नजर आ रहा है? ये आपने बहुत सही सवाल किया। मैं आपको एक बात बताऊं कि तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है यहाँ पर खास करके ये चेहरों की सियासत होती है, वो आइडियोलॉजी और इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जो नहीं है। दो यहाँ पे दो बड़ी पार्टियाँ हैं वो द्रविड़ियन मूवमेंट से निकल कर आई हैं, उनकी फिलॉसफी उनकी आइडियोलॉजी वही है, लेकिन ये चेहरों की सियासत है। आप देखें यहाँ पर तो जो भी बड़े नेता हैं जो पिछले कई साल से चीफ मिनिस्टर रहे हैं यहाँ कर, वो सब कॉलीवुड से निकले हुए लोग हैं, वो फिल्म बैकग्राउंड के हैं, चाहे वो करुणानिधि हों जो स्क्रिप्ट राइटर थे या फिर जयललिता हों जो कि बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी अपने ज़माने में, आज भी हैं, और वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर रही हैं। तो चेहरे की सियासत है ये। इस तरीके से भी प्रूफ होता है कि अगर आप बात करें AIADMK की, तो नॉर्थ इंडिया में तो लोग खैर जानते हैं इस पार्टी के कुछ, साउथ इंडिया में लोग जानते भी हैं इस पार्टी के कुछ लोगों को, नॉर्थ इंडिया में अगर आप AIADMK कहेंगी तो लोग वहाँ पर जयललिता कहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप UP में देखती होंगी कि BSP का नाम आता है तो लोग मायावती कहते हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके से AIADMK के लिए जयललिता है। आप BSP के उस पॉलिटिक्स से कंपेयर करें तो यहाँ पर जयललिता जो है उनकी पार्टी में अगर आप किसी से बात भी करना चाहें तो वो शायद उस तरीके से बात मिलकर आपसे बात ना करें, क्योंकि जयललिता ही सबसे ऊपर है, वो वही एक चेहरा है AIADMK के लिए जिसको वो लोग वोट देते हैं। यही चीज़ लागू होती है DMK पर भी। जब मैं आर के नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में थी तो वहाँ पर एक सपोर्टर ने मुझसे कहा कि वो DMK को वोट करने वाले हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें ये पूछा कि क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर DMK का कैंडिडेट कौन है जो जयललिता के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, तो उसने मुझसे कहा कि शायद शिमला है। तो अब आप समझ सकती हैं कि वो नहीं जानते हैं कि DMK का कैंडिडेट कौन है वहाँ से, बट दे आर स्टिल रेडी टू वोट देम। इसका मतलब है कि वो करुणानिधि को वोट कर रहे हैं। जो लोग हैं वो खुद को एसोसिएट करते हैं या तो जयललिता से या फिर करुणानिधि से, और DMK की बात करें तो विजयकांत से, यानी ये लोग एक चेहरा है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दिव्या जो मैं आपको बताऊँ,
आप अगर AIADMK के स्टार कैंपेनर लिस्ट की बात करें तो उन लोगों ने करीब 20 स्टार कैंपेनर कैंपेनर चूज किया है AIADMK ने जयललिता ने. ऑल्दो शी इज अ बिग फेस, जयललिता के नाम पर ही वोट पड़ता है, फिर भी उन्होंने अपने 20 स्टार कैंपेनर बनाए. उसमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, फिल्म बैकग्राउंड है उनका. और उसकी एक बहुत बड़ी वजह बताते हैं लोग यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी अगर फिल्म बैकग्राउंड से आता है, लोग उसको पहले से जानते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर वो जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनको जनता तुरंत रिकॉग्नाइज करती है, उनसे खुद को एसोसिएट करती है. इसीलिए ज़्यादातर ऐसे चेहरे लाए जाते हैं मैदान में जो एक फेस ऑलरेडी हैं, उनकी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है. लोग खुद को तुरंत एसोसिएट कर लेते हैं, तुरंत उनको पहचानते हैं, इसीलिए यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. आप अगर देखें, जयललिता ने जो 20 स्टार कैंपेनर किए हैं उसमें कॉलीवुड के लोग हैं. अगर आप DMK की बात करेंगे तो DMK ने भी कुछ ऐसे लोग शामिल किए हैं जो इनफैक्ट उनके कॉन्टेस्टेंट्स भी हैं जो कॉलीवुड से बिलोंग करते हैं. उसके अलावा आप DMDK की बात करेंगे तो वहाँ लोग विजयकांत को जानते हैं जी. लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि विजयकांत की वाइफ हैं प्रेमलता, और विजय यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जो DMDK की पॉलिटिक्स है वो बहुत हद तक प्रेमलता ही डिसाइड करती हैं. तो विजयकांत फेस है, चेहरा विजयकांत का है, लोग खुद को विजयकांत से एसोसिएट करते हैं, और अगर वो वोट देते भी हैं तो विजयकांत के नाम पे देते हैं, तो विजयकांत के चेहरे को देखते हुए देते हैं. तो फेस की सियासत तो है. यहाँ पर आप चेन्नई में तमिलनाडु की सियासत की बात करेंगी इस सदर्न स्टेट की, तो यहाँ पर तीन बड़े चेहरे हैं जो घूम फिर कर लोगों को दिख रहे हैं इस बार, वो करुणानिधि के हैं, जयललिता का है और विजयकांत का है. जी, थर्ड फ्रंट से विजयकांत, AIADMK से जयललिता और DMK से करुणानिधि. इसके अलावा आपको उनकी पार्टी में कोई चेहरा ऐसे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी नहीं है. बिल्कुल, कहा जा सकता है कि चेहरे की जो सियासत है वो यहाँ पर होती रही है और आगे भी होती रहेगी. रंजना, आगे भी आपसे इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे.